नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन चार जिलों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं के विभिन्न जनपदों में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95.35 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 90.34 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.46 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.57 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.44 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.58 रुपए। रोधपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94.65 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 89.77 रुपए। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। हिमालय दिवस आज। हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय के करीब 2500 किलोमीटर लंबे और करीब 300 किलोमीटर चौड़े इलाके के संरक्षण और संवर्धन के लिए हिमालय दिवस मनाया जाता है। आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की थी। सीएम धामी का ये रहेगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:30 बजे परमार्थ निकेतन निष्केश में हिमालय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री धामी नगर निगम देहरादून में हिमालय बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। गणेश विसर्जन 2022। भगवान गणेश का विसर्जन आज अनंत चतुर्दशी पर किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी 10 दिनों तक चलने वाली गणपति उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन धूमधाम से गौरी पुत्र गणेश को विधि पूर्वक जल में विसर्जित किया जाता है। इसके साथ ही अनंत चतुर्थी पर सुकर्मा और रवि योग बनने से भगवान सत्यनारायण की पूजा और गणपति की पूजा का विशेष लाभ मिलेगा। तेलंगाना के चार जिलों में छुट्टी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गणेश विसर्जन के कारण आज हैदराबाद, साइबराबाद और राजकोंडा पुलिस सीमा पर यातायात प्रतिबंध लागू किया गया है। वहीं तेलंगाना सरकार ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के मद्देनजर सरकारी दफ्तर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए छुट्टी की घोषणा की है। यह छुट्टी हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगा रेड्डी और मेडचल मलक जगिरी जिलों के लिए है। जनता के लिए खुलेगा सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया। बता दें कि कर्तव्य पथ राजपथ के दोनों तरफ का क्षेत्र सेंट्रल विस्टा है। इसके तहत राष्ट्रपति भवन, संसद नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति आवास आता है, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा है। दिल्ली में मेट्रो बस सर्विस। दिल्ली मेट्रो आज से उन यात्रियों के लिए बस सर्विस शुरू करने जा रही है जो दिल्ली इंडिया गेट या सेंट्रल विस्टा तक जाना चाहते हैं। यह सुविधा शुरू में 1 सप्ताह के लिए उपलब्ध होगी। शाम 5 बजे से यात्रियों के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी और अंतिम पिकअप रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव। हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज से शुरू होगी जो 11 सितंबर तक होगी। 12 सितंबर तक नाम वापसी की जा सकेगी। 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 26 सितंबर को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना होगी। रोजगार मेला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ सेक्टर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जैसी भर्तियों के लिए करीब 44 कंपनियां देहरादून के युवाओं की भर्ती करने जा रही है। पीएम किसान योजना। देश के किसानों के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के लिए आज किसान पोर्टल पर KYC अपडेट करने की लास्ट डेट है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए का लाभ दिया जाता है। ये रकम 3 किस्तों में जारी की जाती है। हर 4 महीने में 1 किस्त जारी की जाती है। आज से पंचक। सितंबर माह तक पंचक आज से लगने जा रहा है। पंचक लगने पर शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस बार शुक्रवार के दिन पंचक लग रहा है। इस दिन इसे चोर पंचक कहा जाता है। चोर पंचक में धन से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए। लेन देन, नया सौदा और यात्रा आदि को लेकर सोच समझ कर ही निर्णय लेना चाहिए। वहीं इस दौरान धन की रक्षा करनी चाहिए। केदारनाथ में रिकॉर्ड दर्शन। केदारनाथ धाम में टूटे सारे रिकॉर्ड। अभी तक 11 लाख तीर्थयात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी है। विश्व प्रसिद्ध चार धाम में शुमार केदारनाथ धाम इस बार नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 6 मई से अभी तक 11 लाख यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा 13 लाख पार होने की उम्मीद है। हल्द्वानी में छात्रा से रेप के दोषी ममेरे भाई को 10 साल की सजा। हल्द्वानी में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ननन सिंह राणा की अदालत ने ममेरे भाई को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा आदेश में पीड़ित को 4 लाख की धनराशि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली दौरे के मायने। उत्तराखंड बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे के मायने कुछ फेरबदल होने वाला है क्या।
उत्तराखंड में हुई भर्ती घोटालों को लेकर जहां प्रदेश सरकार चौतरफा घिरी हुई है, वहीं उत्तराखंड बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद से दिल्ली से लेकर देहरादून तक चर्चाएं तेज है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह दौरा कोई नॉर्मल दौरा नहीं है, बल्कि आने वाले समय में राज्य में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। प्रेमिका से मिलने नैनीताल से उत्तरकाशी आया युवक कार में मिला मृत। जिला मुख्यालय के पास उजेले में एक युवक अपनी कार में मृत मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की माने तो युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उत्तरकाशी आया था। बताया जा रहा है कि उसकी प्रेमिका किसी सरकारी विभाग में नौकरी करती है, जबकि बीती रोज युवक ने अपने भाई को फोन पर जहर खाकर आत्महत्या करने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जिला प्रशासन ने गोदाम से 15 क्विंटल पॉलीथिन की जब्त, 2 लाख का लगाया जुर्माना। उत्तराखंड में सिंगल यूज पॉलीथिन का प्रयोग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसी को लेकर आज जिला प्रशासन नगर निगम नगर निकाय पॉलीथिन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें टीम को लालकुआं के बिंदुखत्ता क्षेत्र स्थित एक गोदाम से 15 क्विंटल सिंगल यूज पॉलीथिन और प्लास्टिक बरामद हुआ। टीम ने गोदाम मालिक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। सहकारिता मंत्रियों को सम्मेलन, डॉक्टर धन सिंह रावत ने दिए अहम सुझाव। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में देशभर के सहकारिता मंत्रियों को सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई अहम सुझाव दिए। महिला के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा गुड़गांव से मिली 0 FIR के आधार पर मसूरी पुलिस ने महिला के दुष्कर्म के आरोपी को राजमंडे स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दहेज उत्पीड़न के मामले में शौहर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जेट पर रेप का आरोप। हरिद्वार में एक महिला ने अपने शौहर समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। इतना ही नहीं, महिला ने अपने जेट पर रेप का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि दहेज में कार और रकम न देने पर उसे भूखा रखा गया, साथ ही मारपीट भी की गई। नौकरी का झांसा देकर 3 बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म, आरोपी पहले खा चुका है जेल की हवा। हरिद्वार में 3 बच्चों की मां के साथ रेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि एक युवक ने नौकरी का झांसा दिया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उसका रेप किया। युवक उसके आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है, जिसे महिला छुड़ा कर लाई थी। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटे में 47 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या 317 हो गई है। वही 57 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। मुरादाबाद काशीपुर हाईवे निर्माण से पहले भूमि अधिग्रहण पर घोटाले का ग्रहण, जांच पड़ताल शुरू। काशीपुर से मुरादाबाद के बीच हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत 195.9735 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है, लेकिन कई लोग मुआवजा डकारने के लिए नए नए पैतरे भी आजमाने लगे हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। भूमि अधिग्रहण पर धांधली का मामला सामने आने के बाद तहसील प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। वहीं धांधली की बात सामने आने के बाद NH-74 घोटाला लोगों के जहन में आ गया है। विकासनगर में चरस वस्तुएं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। विकासनगर में पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने विकासनगर में चरस वस्तुएं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। शहरी विकास मंत्री ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। ISBT से सहस्त्र धारा रूट पर चलेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज शहरी विकास मंत्री ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस ISBT से सहस्त्र धारा रूट पर चलेगी। 21 किलोमीटर वाले इस रूट बस के कुल 37 स्टॉपेज होंगे। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गहरी खाई में गिरी कार, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर नीरगड्डू के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। एक आर्टिगा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक कार में 6 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर तत्काल ही मौके पर पहुंची पुलिस और SDF ने रेस्क्यू अभियान चलाया। हरिद्वार में गणपति शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में पथराव, 12 साल के मासूम समेत 3 घायल। हरिद्वार में बीती रात गणपति शोभा यात्रा के दौरान आइसक्रीम पार्लर और शोभा यात्रा में चल रहे लोगों के बीच बवाल हो गया। पत्थरबाजी में 12 साल के मासूम समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घायल मासूम के परिजन आइसक्रीम पार्लर मालिक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देने जा रहे हैं। लापता युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, जांच में जुटे पुलिस। देहरादून में गुमशुदा युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में तिब्बती कॉलोनी के समीप खलंगा के जंगल में पेड़ से लटका मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दहेज के लिए पत्नी को पीटा, फिर 3 तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ा, मुकदमा दर्ज। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने निकाह के 19 वर्ष बाद अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया है। पीड़िता का आरोप है कि पति दहेज के लिए आए दिन मारपीट करता रहता था। पूरे मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेबसाइट लॉन्च, दे सुझाव, महिलाओं की राय बेहद जरूरी।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून के लिए जनता के सुझाव और विचारों को शामिल किया जा रहा है। इसे लेकर यूसीसी समिति ने आज राजभवन में वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को मैसेज भी भेजे, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनकी राय मांगी है। समिति ने समान नागरिक संहिता के प्रचार एवं क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया है। इसके साथ ही समिति ने जनता से बढ़ चढ़कर अपनी राय देने का अनुरोध किया है। समिति के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि समिति ने सुझाव के लिए वेबसाइट ucc.uk.gov.in का शुभारंभ किया है, जिस पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्ध जन, संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव अगले 30 दिन यानी 7 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले की विजिलेंस ने शुरू की जांच, हो सकता है बड़ा खुलासा। UKSSSC पेपर लीक सहित तमाम अन्य भर्ती की जांच के साथ अब साल 2015-16 में हुई कुल 356 सब इंस्पेक्टर भर्ती की जांच भी शुरू हो गई है। शासन ने विधिवत रूप से आदेश मिलने के बाद विजिलेंस में दरोगा घोटाले में इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम गठित कर दी है। ऐसे अब भर्ती गड़बड़ी से जुड़े तथ्यों और सबूतों को बारी बारी से जुटाकर योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। भू कानून को लचीला बनाने की कोशिश, समिति के संस्तुतियों पर हरीश रावत चिंतित। उत्तराखंड में भू कानून को लेकर बनाई गई कमेटी सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन कांग्रेस समिति के इस रिपोर्ट को लेकर संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस ने समिति की संस्तुतियों पर सवाल उठाते हुए कानून को लचीला बनाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर समिति की संस्तुतियां मान ली जाए तो उत्तराखंड में जमीन खरीदना और सरल होगा। हरीश रावत ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पर अपनी बात लिखी। UFTA वन कर्मियों को दे रही वाइल्ड लाइफ का प्रशिक्षण, विशेषज्ञों से सीख रहे गुर। उत्तराखंड में UFTA की पहल के बाद वन कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मशहूर शिकारी और इंटरनेशनल शूटर प्रशिक्षणार्थियों को वाइल्ड लाइफ की बारीकियां सिखा रहे हैं। जाने माने शिकारी आशीष दास गुप्ता, मशहूर शिकारी और इंटरनेशनल शूटर सैयद अली बिन हादी कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों वन कर्मियों को जंगलों में होने वाले वन्य जीवों की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारियों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।